हेलो टू ऑल एंड वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। तो अभी सुबह के 8:30 कुछ बज रहे हैं और जस्ट मेरी आँख खुली थी, पापा का फोन आ गया कि फटाफट आ जाए, हम लोग ड्यू फोर्ट आए हैं। गाड़ी उठाई, एक्टिवा ली और मैं आ गया ड्यू फोर्ट में। तो ये बस एंट्री है ड्यू फोर्ट की और सबसे अच्छी चीज यहाँ से ये है कि ये जो देख रहे हो आप पीछे, ये काला पानी जेल है। तो काला पानी जेल का सीन ये है कि ये समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, बट इसको बंद कर रखा है। इसको बंद इसलिए कर रखा है क्योंकि अगर यहाँ पे कोई भी क्रिमिनल्स कैदी रहते हैं तो गवर्नमेंट के बहुत सारे रिसोर्सेज यूज होते हैं। खाना बाहर से जाता है, बाकी जो भी चीज होती है वो बाहर से जाती है। तो एक बंदा बोर्ड से आना जाना करना और टैक्स पेयर का पैसा जाता है उसमें काफी, इसलिए इसको बंद कर रखा है। लास्ट इसमें भाई ने मेरे को बताया था कि सिर्फ एक कैदी था, उसके लिए सारे रिसोर्सेज बाहर से जाते थे, इसलिए फिर इसको गवर्नमेंट ने बंद ही कर दिया। बट ये एक अच्छा स्पॉट है, बहुत बीचों बीच बना हुआ है, काफी सुंदर लगता है। और ये है अपना ड्यू फोर्ट। अभी अंदर चलते हैं, सबसे पहले तो उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा वो है कहाँ पे। काफी बड़ा है, वहां तक है पूरा और पीछे भी है। कहाँ से गोला डालते होंगे, यहाँ से इसमें डालेंगे कहाँ से गोला? अंदर से डालते हैं। तो फिर आग भी तो लगाएंगे कहीं, तो वही से लगाते हैं। तो ये अंदर का पार्ट है, अच्छा लग रहा है। ये किसी कॉलोनी में आ गए अपन, बहुत सारे लोग रहते होंगे ना, सिर्फ राजी थोड़ी रहता होगा। है ना, चर्च है। तो ये ऐसा लग रहा है कि किला नहीं है कोई, बहुत बड़ा सा अंदर ही एक सोसाइटी बना रखी है इस चार दीवारी के अंदर, जहाँ बहुत सारे लोग रहते होंगे। चर्च भी है ये। फोर्ट और कुछ मिले ना मिले, ये जरूर मिल जाता है। दिल बने हस्तु अली राज सूरज, ये जरूर मिल जाएगा। क्या है उसके अंदर? कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा। कुछ भी नहीं है। बावड़ी है ये, कोरे का दीप घर है ये, कोरको अलावीट हाउस। व्हाट अ व्यू। सही से तो चलाओ, तोप चला रहे हो भाई, ऐसा लगना चाहिए कि तोप चला रहे हो, लेकिन खाली समंदर में क्या चला रहे हो? जहाज आ रहे हैं आगे से, तैयार रहना पड़ता कभी भी आ जाए। हम लोग वहां से नीचे जाके आए थे, अब हम लोग जाएंगे यहाँ से ऊपर, बेसिकली जो ऊपर की साइड है यहाँ पर तोपे रखी होंगी। फुट में कहीं भी आ जाओ, हर जगह तोपे तो मिल ही जाएंगी, तोपे ही तोपे पड़ी हुई हर जगह। युद्ध खत्म हो चुका है, सैनिक आराम करते हुए, इन्होंने अपने किले को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया यहाँ पे बैठने का। जिंदा बच गए तो कम है। भाई मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया था, तो ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया, बट ये बहुत ही डेंजरस है ये चीज। कोई नीचे गया तो गया, किसी का फोन या कुछ गया तो गया, कोई छोटा बच्चा गया तो गया। बिल्कुल भी वैसे मेंटेन कर नहीं रखा है इस जगह को, कोई भी वहाँ खड़ा हो जाए समुद्र में गिर गया तो गिर गया। यहाँ पे सेफ्टी के इश्यूज है बहुत ज्यादा। अच्छा मेरे को लगा ऊपर कबूतर की भी मूर्ति है, लेकिन असली। अब मेरी बात सुनो, आप लोग जाओ, मैं जा रहा हूँ घर पे। हो गया तेरा टाइम? मेरा 11 बजे का टाइम है, लेकिन फिर अब नहाऊंगा, आप लोग जाओ घूम के। तो मेरा तो टाइम हो चुका है 11 बजे से ऑफिस है, और एक केला बहुत ज्यादा बड़ा है, भाई के साथ आऊंगा, उसके साथ देख लूंगा बाकी का बचा हुआ पार्ट। बस अच्छा ये है अच्छा, लेकिन इसकी मेंटेनेंस जीरो है बिल्कुल। अभी कुछ काम वाम चल तो रहा है, अभी तो हमने सिर्फ एक पोर्शन देखा है पूरे फोर्ट का, अभी तो एक पूरा पोर्शन बाकी है। बैंड बजा दो अच्छी जगह की, पत्थर से घिस घिस के अपने नाम लिख रहे हैं, क्या यार, कुछ तो कॉमन सेंस रखना चाहिए लोगों को। दुनिया भर के लोग बाहर आते हैं इधर, क्या ही हो जाएगा उस दीवार पे घुसने से, कौन सा ऐसा अटूट प्यार बन जाएगा इनका। कुछ चीजें हमको ऐसा सिटीजन भी समझनी चाहिए, कचरा वचरा ना करें दीवारों पे, तो एटलीस्ट ये सब ना करें। ठीक है थोड़ा बहुत तो सब कर ही देते हैं हम लोग, हिंदुस्तानी लोग है, समझ में आता है। द बाप ऑफ ऑल खुरकी, माँ बच्चे का जोड़ा भी है इधर, ठुकरी। इस शिप को देख के पता नहीं क्यों एक वाइब सी आ रही है, जैसे कोई मिलिट्री वाला होता है ना, वैसे मिलिट्री वाला ही है आई गेस ये। बट यार ये जो भी मिलिट्री वाली चीजें देखते हैं ना अपन, टैंक्स हो गए, ये हो गए,
चिप्स हो गए बड़े बड़े, तो उनको देख के एक फील आ जाती है, पता नहीं क्यों। हालांकि पेट्रियट जो कि थोड़ा देशभक्ति से रिलेटेड होता है, वो फीलिंग देशभक्ति वाली जग जाती है सबके हर हिंदुस्तानी के मन में। हमने मलाई भी निकलवाई है भाई से, अब हम बढ़िया मलाई खाएंगे, इससे अच्छा नाश्ता क्या हो सकता है। तो अभी बज रहा है शाम के 6, मैं सोच रहा हूँ अभी नारियल पानी पी के जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, आज बहुत एक्टिव है। हमारे साथ बैड लक हो चुका है यहाँ पे, इस टाइम पे पापा और बुआ जाते हैं वॉकिंग करने बाहर, मतलब शाम के टाइम पे, तो ये लोग गेट बाहर से बंद कर जाते हैं, और ये गेट हो चुका है बाहर से बंद क्योंकि यहाँ पे स्पेस है साइड में, तो सामने वाली जो आंटी है वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है यहाँ पे, उनको देखता हूँ आवाज लगाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो सुन ले तो ये गेट खोल दे। आंटी ये गेट खोल देना, वो गेट बंद कर। अब वो अभी आ रहे हैं, बस वॉक करके वॉकिंग करने गए हैं, वॉकिंग करके आ रहे हैं। रात आए और गांधी जी की तस्वीर नहीं दिखाई तो फिर क्या दिखाया दोस्तों। तो ये देखो एक बहुत ही शानदार आर्ट जिसने बनाया, बहुत खूबसूरत बनाया। बटर वाला कर दो यार, कितने का है? हाँ 40 वाला कर दो। कौन सी टेक्निक है, तो पहली बार देख रहा हूँ। थोड़ा तीखा कर दो, ये चीज बढ़िया लगी मेरे को तो, एक ही बार में सब अंदर। यहाँ पे लोगों ने गुटके थूक रखे और फिर हम बैठ के खाते हैं इसको यहाँ पे। भाई क्या हो गया? दोस्त अगर मैं इसका वन वर्ड रिव्यू दूं तो पैसा बर्बाद, क्योंकि कुछ बटर का टेस्ट ही नहीं आया। ये इसको बोलते हैं बिजनेस, गुट्टे को आदमी 40 रुपए में बेच रहा है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हम लोग आए हैं ये वाली गाड़ी लेने, इटियोस। हम लोग ये इसलिए लेना है क्योंकि हम लोग जाएंगे कल सोमनाथ और द्वारका, ड्राइवर है नहीं कोई इसका, गाड़ी हमको ही चलानी पड़ेगी। गाड़ी का आज ही एक्सीडेंट हुआ है, आज या कल में, अभी इसका काम करवा लिया जिस बंदे ने भी ठोकी थी इसको, बट इसका ऑयल हमको चेंज करवाना है। हम लोग जाएंगे कल द्वारका के लिए निकलेंगे, बेसिकली पहले जाएंगे सोमनाथ फिर निकलेंगे द्वारका के लिए, तो ये हमारा वीकेंड का प्लान है, तो हम ये करेंगे। अंदर सिगरेट विगरेट सब पड़ी है, सॉरी एमसील है, हम बदनाम नहीं करते किसी को भी ऐसे। तो भाई इस कार से मेरे को तो रिवर्स का गियर लग ही नहीं रहा भाई, एटियोस में रिवर्स का गियर कैसे लगेगा, दबा दू के कैसे लगेगा, और तो कैसे लगेगा, दबके भी नहीं लग रहा, वैसे भी नहीं लग रहा। तो गाइस फाइनली जो रिवर्स गियर है वो लग चुका है, एटियोस में रिवर्स गियर पता कैसे लगता है, उसको गियर को ऊपर करके फर्स्ट गियर में लगा के तब जाके गाड़ी आती है पीछे। रुकना रुकना रुकना, दड़ लो बहन दो, मतलब मैं ले लूंगा, भिड़ जाती है अभी गाड़ी, अरे मतलब भिड़ जाएगी गाड़ी, अच्छे टाइम पे रोक लिया मैंने। बोनट किधर से खुलता है गाड़ी का? खुल गया, वो समुद्र है, ये रोड है, और एक नंबर गाड़ी चलाने का अवसर है। डीयू में आने के बाद पहली बार मैंने एपी डिलॉन सुना है, कि जो सामने फूड ट्रक दिख रहा है इसमें एपी डिलॉन के गाने बज रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है। मैंने एपी डिलॉन छोड़ो कुछ भी गुजराती गानों के बाहर का कुछ सुना है। तो अभी हम लोग आए हैं खुकरी, ये एक फेमस पॉइंट है डीयू का, यहाँ पर अभी हम आए हैं ऐसे बैठने, कार चलाते चलाते थक गए थे क्योंकि हम लोग गए थे वनकबारा, बहुत दूर जाके आए बेसिकली। वनकबारा डीयू में भी नहीं आता, डीयू के पास एक गाँव है वहाँ जाके आता है वनकबारा। अब हम यहाँ पे थोड़ा बैठेंगे चिल करेंगे, दिखा दूं मैं पानी, ये समुद्र है पूरा, जो भी काला काला है ना मतलब वो समुद्र है समझ लो, जिडीयू में जो भी काला काला है वो समुद्र है। तो ये बेसिकली बीच टाइप है, और वो मेन पॉइंट है कुकरी का, वहाँ पे एक शिप बना हुआ है, वो शिप डूब गया था पाकिस्तान से लड़ते हुए, ऐसा कुछ सीन था। तो वहाँ पे सारे जितने भी जवान शहीद हुए थे उनका नाम है वगैरह सब है वहाँ पे, लेकिन वहाँ आज नहीं, ढंग से कभी दिखाऊंगा, दिन में आऊंगा जब लाइट वगैरह हो तब दिखाऊंगा। तो अभी तो आज का डे ही ऑफ करता हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पे लाइट नहीं है। चलो गुड नाइट। भाई केकड़े वो वाला तारा भी चमक रहा है भाई, आ रहा है यार, ये तो कैमरे में आ रहा है, चमकता हुआ भी आ रहा है।